हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद देम। फ्रेंड्स, आज लोग हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। रियल नंबर्स का जो पहला वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला हमारा जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर ऑकर। कह रहा है कि प्रत्येक कॉम्पोजाइट नंबर को प्राइम नंबर्स के पॉजिटिव पावर के एक मल्टीपल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर ऑकर। और इस सब से एक और मीनिंग निकल के आता है, वो क्या कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में अगर हम इसको लिखें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल ही होगी। और इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो प्रमुख प्रूफ था वो गणितज्ञ एक C.F. गॉस ने दिया था। ठीक, और इसका यूज आज भी होता है, केवल हम लोग पढ़ाई के ही क्षेत्र में नहीं, सिर्फ गणित में ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत कुछ होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक के इस क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन सारे नंबर का हमको प्राइम फैक्टर दिखाना है। प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा, आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा है वो 140 है। 140 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग देखते हैं 140। अब हम लोग ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या रखें इसको कि ये पूरा कट जाए। तो जब नंबर्स के वंस के स्थान पे जीरो हो या इवन नंबर हो तो हम हमेशा टू से स्टार्ट करते हैं। अगर ऑड नंबर हो तो हम थ्री से स्टार्ट करेंगे, फाइव से, सेवन से, नाइन से, ऐसे हम ट्राई करेंगे कि हाँ इससे वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। कह रहा है कि हमको प्राइम फैक्टर दिखाना है तो इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140। प्राइम फैक्टर ऑफ 140 का क्या होगा, यहाँ पे जो जो है उसको इंटू में करके लिख देना है, 2 × 2 × 5 × 7 × 1। अगर इसको हम पावर के रूप में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, क्यों यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्यों 2 का स्क्वायर किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 है वो दो बार में आया है और 5 वन बार में आया है तो वैसे ही लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा रहा 140 का प्राइम फैक्टर। फ्रेंड्स, इसी तरह हम इसका भी करेंगे। यहाँ पे हमारा 6 है वंस के स्थान पे तो हम 2 से ले जाएंगे, यहाँ पे हमारा 5 है तो हम 5 से ले जाएंगे, यहाँ पे भी 5 है तो हम 5 से ले जाएंगे। फ्रेंड्स, अब इस पे एक और क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, वो इसको ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन हम लिए हैं 3825 है, अब यहाँ पे हमारा 5 है तो हम 5 से काट रहे हैं, तो अगर हम इतने में
3825 में अगर 5 से डिवाइड करें तो हमारा ये आता है। ठीक, अब फिर हमारा वंश के स्थान पे 5 है तो फिर से हम 5 लिए हैं। अब 765 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 153। अब 153 आया है तो यहाँ पे हमारा वंश के स्थान पे 3 है तो अब हम ट्राई करेंगे 3 से, तो 3 से तो हमारा कट जाएगा तो हमारा आया है 51। 51 3 से कटेगा तो 70 आएगा। अब 70 नहीं कटेगा तो 17 से कटेगा तो ये हमारा 1 आ गया। अब हम इसका लिखेंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्या आ रहा है, 5 × 5 × 3 × 3 × 70 × 1। देखिए यहाँ पे 5 × 5 × 3 × 3 × 70 × 1। अब इसको अगर हम स्क्वायर के रूप में लिख लें, पावर के रूप में लिखें तो यहाँ पे हमारा 2 5 है तो हम 5 का पावर 2 और 3 5 है, सॉरी 2 3 है तो 3 के पावर 2 इंटू 70 × 1। फ्रेंड्स, इसी तरह हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालना बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.2 का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमको एलसीएम और उसके बाद हमको एचसीएफ निकालना है, फिर हमको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। हम ले रहे हैं पहला क्वेश्चन, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 26 एंड 91 सॉल्यूशन। यहाँ पे हम सबसे पहले 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे अब हम देखेंगे हमारा यहाँ पे इवन नंबर है, जब हमारा इवन नंबर आता है तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे अगर इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 13 बार में जाएगा, इसके लिए हम 13 ले लेंगे। यहाँ पे हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पे हमारा 1 है यानी ऑड नंबर है, तो इसके लिए हम ऑड नंबर ही लेंगे। जैसे पहले हम 3 से ट्राई करेंगे, ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, उसके बाद 7 से देखेंगे तो ये हमारा 7 से कट जाएगा, तो ये हमारा 7 से कटेगा, 7 वन जा 7 और 2 1 21, 7 3 सा तो हमारा आ गया क्या 30। अब इन दोनों का हम प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 26 और यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 91। जो हमारा 26 का प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 × 30 × 1 और इसका जो है 7 × 30 × 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या था कि हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है फिर उसके बाद से एचसीएफ निकालना है, तो हम एलसीएम देखते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू। अब एलसीएम हमारा कैसे निकलता है प्राइम फैक्टर से, हमारा जो पहला जो प्राइम फैक्टर 26 का आया है वो हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2 × 13 × 1। ठीक, अब देखेंगे क्या 2 इसमें आया है, यहाँ पे जो पहला अंक है 7, तो वो 7 क्या हमने इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, तो हम 7 भी लिखेंगे। और ये क्या है हमारा 13, तो हम 13 पहले एक लिख चुके हैं, अगर इसमें 2 13 होता तो 1 13 और हम लिखते हैं, लेकिन दोनों में केवल एक ही 13 है तो हम 1 ही 13 लिख रहे हैं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऐसे क्यों लिखा है इसको समझाने के लिए लेते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ है, अगर इस मान लीजिए किसी नंबर का ये हमारा प्राइम फैक्टर है, इसको इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम लिख रहे हैं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो पहला नंबर है उसको हम लिख लेंगे, जैसे 5 × 5 × 2 × 2 × 7। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें हमारा सेकंड में, ये तो हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड है, तो इसमें हमारा क्या है 3 × 5 है, तो हमने 3 नहीं लिखा है तो 3 भी लिख लेंगे। अब 5 है तो हमने ऑलरेडी पहले से 5 लिख चुके हैं तो हम 5 नहीं लिखेंगे। अगर यहीं पे हमारा जैसे हम 2 5 लिखे हैं, अगर यहाँ पे 3 5 होता तो हम एक और 5 लिखते और हमारा एलसीएम में 3 5 होता, लेकिन इसमें नहीं है, केवल एक ही 5 है तो हम 1 ही 5 लिख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी 2 लिख चुके हैं। अब है इसमें 7, हम भी पहले से भी हमने 7 लिख चुके हैं तो हम अब 7 नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब है कि पहला अंक हम पहला जो हमारा प्राइम फैक्टर रहता है उसको लिख लेते हैं और दूसरे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या और नहीं लिखा हुआ रहता है उसको मल्टीपल करके हम लिख लेते हैं। अब हम वेरिफिकेशन देखते हैं, हमारा प्रोडक्ट ऑफ 26 और 91 का जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो 2366 आ रहा है, और वैसे ही हमारा एलसीएफ इंटू एलसीएम जो आ रहा है वो भी इतना ही आ रहा है। तो जो हमारा जो वेरीफाई था को वेरीफाई करने को क्वेश्चन ने जो वेरीफाई करने के लिए जो कहा गया था कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होगा, तो वो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो, आइए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा था एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए, उसके बाद से हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिखाइए। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया और उसका पहले प्राइम फैक्टर निकाला, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमने एलसीएम फाइंड किया और उसके बाद एचसीएफ फाइंड किया, उसके बाद हमारा कह रहा है वेरीफाई करने का। तो अब हम ये रहा हमारा वेरिफिकेशन, तो हम प्रोडक्ट लेते हैं 2 नंबर का, तो हमारा 2366 आ रहा है, वैसे ही एलसीएम गुणा एचसीएफ करते हैं तो हमारा वही आ रहा है, यानी जो हमको हम यहाँ पे वेरीफाई कर चुके हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। थैंक यू। आगे इस क्वेश्चन में दो और क्वेश्चन हैं, वो आप खुद सॉल्व कीजिए, नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सेम वैसे ही हमको करना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 12, 15 एंड 21। तो पहले हम 12, 15, 21। अब हमारा यहाँ पे 12 जो है वो कौन से इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में होगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 होगा, अब हम 3 से करेंगे 1 बार में होगा। वैसे ही हम इसको भी, ये हमारा 5 है तो हम 5 से ही करते हैं, 3 बार में होगा, 1 हो गया। यहाँ पे और नंबर है लेकिन ये 3, तो हम 3 से ट्राई करेंगे, तो ये 3 से हमारा 7 बार में कटेगा तो ये हमारा 1 हो गया। ठीक, अब हम सबका प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 12 prime factor of 15 prime factor of 21 इक्वल, तो जो हमारा 12 का प्राइम फैक्टर है वो क्या है, वो क्या है 3 × 7 × 1। तो हम 3 पहले ही लिख चुके हैं, 1 3 है तो हम 1 3 पहले लिख चुके हैं, 7 है हमारे इसमें, 7 नहीं है तो हम 7 लिख लेंगे, 1 हम लिख चुके हैं। अब इसका मल्टीपल करेंगे, 2 2 4 3 12 12 12 5 16 16 × 7, तो हमारा आएगा 4 7 42 40। ये अब हम यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए हम इस प्राइम फैक्टर में देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन क्या है। ठीक, तो हमारा इसमें कॉमन, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, और 1 और 3 हमारा दो चीज़ दोनों में क्या है, तीनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ होगा वो ये होगा, क्या होगा, 3। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या निकालना है, ये खुद के नंबर से ही कटेंगे, या तो 17 1 के टेबल में आएगा या 17 के टेबल में आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे 17 1 कर लेंगे, 23 1 कर लेंगे और यहाँ पे 29 1 कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 17 70 × 1, फिर लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 23, तो 23 × 1, वैसे ही आप इसको भी लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 29, तो 29 × 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम देखेंगे, एलसीएम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, देयरफॉर
एलसीएम हमारा क्या होगा, पहला जो है हम लिख लेंगे 70 × 1, दूसरे में क्या है 23 × 1, तो हम यहाँ पे कहीं 23 नहीं लिखे हैं तो 23 भी लिख लेंगे। अब इसमें हमारा 29 नहीं है और तीसरे में हमारा 29 है तो 29 लिख लेंगे। अब इन सबका मल्टीपल करेंगे। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का चौथा पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।